नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानंद। और आप लोगों को जो इसमें आगे आने वाली फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोगों को किस तरीके से अपने WP फॉर्म बना सकते हैं, आप अपनी जो गूगल शूट है, गूगल किट है, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट में पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको पेज क्रिएट करना है तो आप लोगों को पेजेस पे जाना है। ऑल पेजेस यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ये सारे जो पेजेस हैं दोस्तों, ये पेजेस आप लोगों को पहले से टेम्पलेट में मिलेंगे। और इन पेजेस के अलावा भी आप एक पेज है इसमें, बहुत सारे पेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर जितने भी जो कि जो वहाँ पर बना हुआ है एक पेज, जैसे ये मान के चलिए ये लिंक आ गया, और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप टाइटल डाल देंगे, जैसे कि पेज का नाम, क्या नाम रहेगा, हम अलग से पेज का नाम डाल देते हैं कि योर योर सर्विसेज, या फिर सर्विसेज का पेज हमारे पास बना हुआ है। उसके बाद हम डालेंगे ब्लॉग, ब्लॉग जो ब्लॉग का पेज होता है, वो ब्लॉग का पेज हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे दोस्तों। और जो भी आप डालना चाहें इसमें, इसके इस पेज के अंदर, वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं पेज को। और उसके बाद आप लोगों को पब्लिश करने के बाद आप लोगों का पेज आपकी पेज लिस्ट में ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे पेज पेज ब्लॉग ब्लॉग का पेज है, ये ब्लैंक पेज आ गया, और यहाँ पे ये आप लोगों की जो कि हेडिंग आ चुकी है। अब हम सीधे वापस डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपका पेज शो हो रहा है। यहाँ पे किस तरीके से आपका पेज शो होगा, और यहाँ पे भी आप लोगों इसमें इस पेज में भी एडिट कर सकते हैं। ये आप लोगों का पेज जो हमने बनाया था ब्लॉग, जो पेज यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप एलिमेंटर पे सीधा खोल सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से ले जाके सीधा एलिमेंटर पे भी आप खोल सकते हैं दोस्तों। ये था पेज कैसे बनाए। हम आगे बात करेंगे कि मेन्यू आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर।